जीत गया तू? तू जीत गया क्या? नहीं, नहीं जीता। अभी तक मुझ में जान है, मेरी मौत नहीं हुई है, और जान बाकी है, वो काफी है। तुझे मैं जड़ से मिटा दूंगा। मैं इंसान नहीं, पहाड़ हूं, पहाड़ हूं। ए, कौन सा पहाड़ है तू? कौन सा है? पहाड़ टूटता है तो मिट्टी में मिल जाता है। इस जना से मत खेलना, मिट्टी में मिल जाएगा। गणपति, इनको पीछे आने के लिए कहो। आप डरिए मत सर, ये सभी लोग आपकी हिफाजत के लिए हैं सर। ऐसा है काम, ऐसा ही होगा सर। इसकी आदत डाल लीजिए। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, तब तो हम उप सचिव थे। अब क्या है सर, आप रोज इधर आ सकते हैं जब चाहें। आने की इच्छा तो होती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। अच्छा बताओ, यहाँ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? बांद्रा नगर जाएंगे सर। हाँ क्यों? उधर एक स्कूल फंक्शन में जाना है सर। स्कूल? सुनो, जब हम 5 साल के थे तब स्कूल गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए। हाँ हाँ। सुनो, जब तक हम नहीं बुलाए कोई अंदर नहीं आएगा, सब यहीं पर खड़े रहना, समझ गए ना? चलो दो। ये लीजिए सर। साहब, साहब, हम मिनिस्टर बन गए हैं लेकिन शहर के लिए है। आपके लिए तो हम वही पुराना सिद्धिया हैं, आपका वफादार। अपना पैर दिखाइए। अरे साहब 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 साहब, अरे अरे साहब, आपके चरण आगे कीजिए, हमको छूना है। अरे साहब, अरे साहब साहब, बस हो गया, इतना ही हमारे लिए काफी है। साहब सिर्फ 5 साल के लिए बने हैं, शपथ के बाद ज्योतिषी ने मंदिर जाने के लिए कहा है, इसीलिए आपके पास आए हैं। क्योंकि साहब आप ही तो हमारे भगवान हैं। जय हो। चरण कहाँ? अरे सिर्फ 1 महीना लगेगा साहब, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। कुल मिलाकर 5 लोग हैं, उनमें से 2 लोग धर्म और न्याय की बात करते हैं, उनको मरने देते हैं। हमारे लिए तो 3 लोग काफी है, फैसला हमारे पक्ष में होगा। पावर अपने हाथ में आ गया है साहब, आप तो जो चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी से है। आपको और कुछ चाहिए तो बताइए ना। विजया रानी को लेकर आओ क्या साहब? बोलिए ना, बोलिए ना साहब, बोलिए साहब। मुझे जो चाहिए सिर्फ वो बताओ। वो मिला क्या? मिल गया वो? वो किधर है? बोलो, बोल, किधर है वो? बार खेती में मुझे भी हिस्सा दे दीजिए। तू बार बार यही कह रहा है, मुझे मालिक से एक बार पूछना पड़ेगा ना। तेरा काम हो जाएगा, तू अगले हफ्ते तक आ जाना। जी ठीक है। अरे मानिक। हाँ मालिक। धान की बोरी है ना? हाँ। जल्दी चलाओ, राइस मिल लेकर जाओ और कटवाकर तुरंत आश्रम में उतरवा दो। हम लोग बस निकल ही रहे हैं मालिक। बच्चों के खाने का चावल है, देर मत करना वरना छोटे मालिक नाराज हो जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। नमस्ते मालिक।
हाँ बोलिए। छोटे मालिक से मिलना था। अंदर घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है ना। हाँ। मालिक पूजा कर रहे हैं, लेकिन काम तो बताइए। हम यहाँ छोटे मालिक से पानी के बारे में बात करने आए। अच्छा, उस बारे में बात करने आए हो। अच्छा, पानी की समस्या को लेकर ये लोग आए हैं। नमस्कार। 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 गहने बेचकर धान का बीज लाया था, फसल उगने का समय आ रहा है, अब अगर ऐसा करेंगे तो हम कैसे जिएंगे? छोटे मालिक, पैदावार होती है तो काम नहीं, काम नहीं होता तो पैदावार होती है। अब ऐसे में वो लोग पानी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम लोग अब जिए या मर जाए आप ही बताइए। मालिक मालिक मालिक, हमें मुनाफा ना मिले ना सही, पर हमारे बच्चे कैसे जिएंगे ये सोचकर मरे जा रहे हैं। अब अगर इस तरह से बीच में समस्या खड़ी होगी तो हम कैसे जिएंगे मालिक? मालिक, हमें पीने के लिए पानी तक नहीं है, आप सिर्फ हाँ करो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। मालिक, हम लोग दुनिया को खिलाते हैं और हम खुद भूखे, अगर ऐसा ही चला तो हम कैसे जिएंगे? डैम पानी से भरा है और वो लोग कहते हैं कि पानी नहीं है। गरीबों को पानी नहीं देकर क्या वो लोग सुखी रहेंगे? क्या बताइए। चाहे कोई भी आकर कहे, एक बार बंद हो गया तो हो गया, नहीं खोलूंगा। अगर कोई भी आकर खोलने के लिए कहेगा तो यहाँ पर पानी की नहीं खून की नदी बहेगी। पानी मांगा तो आप खून दे रहे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। ऐ, ऐसी मस्ती किसी और के साथ करना। ये मस्ती नहीं है, किसी गर्भवती महिला को भूखों मारना और फसल को बिना पानी के मारना एक ही बात है। शांत हो जाओ। क्या पानी पानी कर रहे हो? पता है पानी कितना महंगा है? दूध मिल जाता है लेकिन पानी नहीं, पता नहीं है क्या? हवा और पानी पर सब लोगों का हक है, इसीलिए सभी जिंदा हैं। हवा पानी को रोकना गलत है। तू कौन है बीच में बोलने वाला? इस गांव में तू अभी अभी आया है, हमारे दादा परदादा पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं। चार पैसे बढ़ाकर तूने मजदूरी क्या दे दिया? इन्हें तू अपना आदमी समझ रहा है? ये पैसे से खरीदे हुए लोग नहीं है, अपनी समस्या के लिए आए हैं, ये तू नहीं समझेगा। सब कुछ समझता हूँ मैं, जब से तू इस गांव में आया है यहाँ की समस्या बढ़ती ही जा रही है। तू कहता है मैं समस्या हूँ और ये कहता है मैं राहत हूँ, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, हम लोगों को पानी चाहिए, अगर खुद दे दोगे तो इज्जत रह जाएगी। किससे बात कर रहा है पता नहीं है क्या? जना नहीं, जना नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताओ कैसे हो सब लोग? आजकल पानी के लिए हाहाकार मचाने का फैशन सा बन गया है, यानी कहाँ जाकर खत्म होगी। हाँ हाँ नमस्ते। अरे जरा शांति रखो। अच्छा शंकर पांडे, दोनों तरफ न्याय है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है तू? मैं तेरी बात क्यों सुनूं? पानी कम है इसलिए नहीं छोड़ रहा। तू कौन होता है बात कहने वाला? तेरे लिए जो राष्ट्रपति है वही हमारे लिए भी है, तेरा जो मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री हमारा भी है। अगर उन्होंने ना कह दिया तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तब तक। जना ये सब क्या है बेटा? सुनो, बात करके समझौता कर लेते हैं, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाते हो? इन्हें देखो, ये सब लोग कौन हैं? हमारे गांव के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं। अगर इनको भी पानी नहीं देंगे तो किसको देंगे? मिनिस्टर से बात करके सब ठीक कर लूंगा, पहले पानी छुड़ाने का इंतजाम करो। ए, देख क्या रहे हो, पानी छोड़ो। हाँ खुश है ना? देखो पानी कैसे बह रहा है।
कहाँ चले गए? कहाँ चले गए छोटे मालिक? धन्यवाद कहना चाह रहा था, उससे पहले ही चले गए। ऐसे थोड़े ना गए हैं, हम सबको पानी देकर गए। तुझे जिला सचिव बनने के लिए मेरा पैसा चाहिए, एमएलए बनने के लिए भी मेरा ही पैसा लगेगा, लेकिन तू मेरा एक भी काम नहीं करेगा। वो कल का छोकरा तेरी निगाहों में आज सब कुछ हो गया। वहाँ पूरे गांव वालों के सामने तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। वो तो पहले ही उड़ गई थी, चुनाव आने दो तब देखता हूँ तुझे। देखा देखा, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये गुस्सा कब खत्म होगा। बार बार पैसे की बात करते हैं, हमारे पास पैसा ही तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो अपना काम निकाल लेता है। अभी उस पर हाथ उठा देते तो ये हो सकता था कि पूरे गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाते। वो अच्छा ही कर रहा है, न्याय कर रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। क्या रे डब्बा, बकरे को मार डाला क्या? मारूंगा नहीं तो आप खाएंगे कैसे? अच्छा ये बताओ कि पिछली बार तुम लोगों ने बकरे को मारा था या बकरा बूढ़ा होके खुद ही मर गया था? दो दिन से पेट खराब है मेरा। आपको मैंने उसी दिन मना किया था, लेकिन अब नहीं ना। मेरे गुस्से को और भड़का रहा है ये। इसके ऊपर गुस्सा करने से क्या होने वाला है? कमजोर पे तो कोई भी हाथ उठा देता है, उसके साथ ऐसा कर सकते हो? इसके लिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ। आपके दादाजी ने अंग्रेजों को सलाह देकर राव बहादुर की उपाधि हासिल की थी, आप में भी तो वही गुण है, उसी बुद्धि को इस मामले में इस्तेमाल कीजिए ना। नहीं समझे? उसके साथ आमने सामने टकराने की बजाय छिपकर वार करना चाहिए। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि किसने वार किया है और कैसे वार किया है। पीजिए पीजिए, आप पीजिए पीजिए ना। फसल कटनी शुरू हो गई है और इस बार पैदावार भी अच्छी है। दक्षिण वाले खेत थोड़ा कमजोर हैं। पानी आने के बाद वो भी सही हो जाएंगे। उस एमएलए ने बोला था ना कि मंत्री से बात करके मामला सुलझाएगा। एमएलए मामला सुलझाएगा? तुरंत खत्म कर देगा। मामा, मैं वली को पकड़ने जा रही हूं। ए मुनी, संभल कर। ए गिना मत। ए, ये कबूतर के लिए जाके उनको डाल, जाना जब देखो तब खाते ही रहता है। जब तक बात नहीं कहेंगे तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा। नमस्ते नमस्ते मालिक, हम लोग आपसे मिलने आए हैं। हमारे गांव में जो काली माता का मंदिर है, 20 साल से उस मंदिर के ट्रस्टी बड़े मालिक हैं। हर साल की पूजा पाठ का हिसाब ना तो उन्होंने कभी पूछा, ना उन्होंने कभी दिया। हमारी मजदूरी की तरह। मालिक, हम लोग तो आज तक उनको ही भगवान मानते थे। जब उन्होंने कहा कि पानी नहीं देंगे तो हमारी नजरों में उनकी इज्जत चली गई। तो मालिक, सारी जिम्मेदारी आप ही ले लो ना। हाँ, मालिक। वो तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी कंधे पे डालने वाले टॉवल जैसी नहीं है, बहुत बड़ी गठरी है। अगर उसे उठा लिया तो दूसरों के दर्द नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए वो जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लोगों के काम आ सकूं, तो मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप ऐसा मत कहिए छोटे मालिक, आपके आने के बाद ही तो हम लोगों की जिंदगी में हिम्मत आई, और वो हिम्मत हमारी जिंदगी में हमेशा रहे, हमारी यही इच्छा। ये कोई एमएलए या एमपी का पद नहीं है, ये हमारी तरफ से दिया हुआ एक सम्मान है। वही तो, जो कोई मुफ्त में साड़ी और धोती देता है, आप उसे भी कोई पद दे देते हैं, वोट देकर उसे अपना नेता बना देते हो, और जिसे वोट दिया वही नेता हमें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आप ही में से एक होना चाहता हूँ। पद और नेता बनाकर मुझे अपने से अलग मत करो। जैसी आपकी इच्छा मालिक, अब हम लोग चलते हैं। जी नमस्कार। मुनि, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ, रो क्यों रही है? बोल ना बेटा, किसी ने मारा क्या? बता ना क्या हुआ, मारा क्या तुझे किसी ने? ना ना, लगता है कुछ देखकर डर गई है। ए, क्या हुआ? मालिक, आपनी गौरी बकरी पकड़ने गई थी ना, तो वो बकरी शंकर पांडे के खेत में चली गई, तो उस बेजुबान जानवर को शंकर पांडे के भाई ने गोली मार दिया। अगर निशाना थोड़ा चूक जाता तो अपनी बच्ची का क्या होता, आप ही बताइए। भैया, छोटे मालिक हैं क्या? जरा उन्हें बुलाइए, उनसे हमें मिलना है। खून, छोटे मालिक। मालिक। हाँ बोलिए। सूखा पड़ने की वजह से जो सरकार ने हमें चावल दिए थे, उस चावल को बाजार में बेचकर वो लोग हमें सड़ा हुआ चावल दे रहे हैं मालिक।
ये क्या है? हमने उनसे कहा कि हम आपका हर हुक्म मानते हैं, आप जो बोलते हैं हम वही करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? और उनके आदमी हमें मारने लगे मालिक। जब तक हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो बेवकूफ बनाते रहेंगे, जब हम सवाल पूछेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। सवाल करते हैं तो वो मारते हैं। अकेले पूछोगे तो ऐसे ही होगा, जब सब मिलकर पूछोगे तो जवाब मिलेगा। अच्छा अभी आप लोगों को चावल ही चाहिए ना? काका बेटा गोडाउन से इन्हें चावल दे दो जितना इन्हें चाहिए। हाँ। और हाँ, सबसे पहले इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए। ये लो, किसने इसको मारा? शंकर पांडे के आदमियों ने। अरे बेचारे लोग, चलो चलते हैं। अरे एक तो दान सर के ऊपर से जा रहा है, ऊपर से ये सब भी। चित्रन, अरे धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ, शंकर पांडे एक तो पहले से ही जल भुन करके बैठा हुआ है, उसे पता चलेगा कि लोग इधर आए हैं तो पता नहीं क्या कर दे वो। अब देखिए इतना जो आप लुटा रहे हैं ना, मेरा साला के एमएलए के लिए खड़ा हो रहा है या मुझे बनाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो फिर ये सब क्यों? देख वो जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहा है। सही है सही है, एकदम सही जा रहे हो, कल जब मैं भी यही करूंगा तब आपको समझ में आएगा। ए तुझे लग रहा है कि मैं पागलों की तरह खुद से बात कर रहा हूँ? हाँ आज समझ में नहीं आएगा तुझे, ए जो बोल रहा हूँ ना वो कल समझेगा तू, चल भाग। अरे मुझे कोई इज्जत ही नहीं देता, ए झाड़ू मार, इधर क्या देख रही है? अबे जाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। सभी लोग फल फूल लेकर लाइन से उतरो, जल्दी 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 उतरिए, जल्दी जल्दी आइए 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 आइए। ड्राइवर जी, बाहर खाना मत खाना, अंदर बहुत बड़ी दावत है। जी मालिक। आजा। ये खुद तो फोकट का खाता ही है, साथ में गांव वालों को भी ले आया। वो काम हो जाए फिर से खत्म करूंगा। ए क्या सोच रहा है कि मैं खुद फोकट में खाता हूँ, गांव वालों को भी लेकर आ गया? ए तेरे मन में क्या चल रहा है सब जानता हूँ मैं। अच्छा ये बात है, मुझे सब पता है, मेरी बहन के पति को बुला कर ला। आपकी बहन के पति यहाँ कहाँ रहता है? मेरे होने वाले जीजा को बुला कर ला। जीजा को? जा। जीजा कौन है? ए शिवका इधर, हम कितना भी गिड़गिड़ाए मोर अपना पंख देता है क्या, शेर अपना दांत निकाल कर हाथ में रख देगा क्या, बाघ अपना नाखून देगा क्या, हमें खुद मैदान में उतर कर सब काम करना चाहिए। देखो लड़के वालों के घर लड़की को लेकर जाना अच्छा नहीं माना जाता, मैं किसी और के घर थोड़ी जा रहा हूँ, ये इसी का घर होने वाला है, मैं खुद अपनी बहन को लाकर खुद ही सगाई करवा रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है। और शादी के बाद इसके बाल बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे बड़े होकर गांव वालों की सेवा करेंगे। तो ज्योतिष ने कहा है आज का दिन बहुत शुभ है, इसीलिए आज ये काम हो जाना चाहिए। तो खत्म कर देते हैं ना। ए, चटाई बिछा, चलो रे बिछा, जल्दी बिछा। अरे इधर आओ, बोल रहा हूँ ना। ये क्या? इतने दिनों से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, ये बात आपने मुझसे छुपाई और बाहर वालों से पता चल रहा है। ये क्या बक रहा है तू? अच्छा क्या बक रहा हूँ, मजाक मत करो, जरा उधर तो देखो, नई साड़ी पहन के सगाई की थाली लेकर चटाई बिछा के बैठी है माँ। चुप 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 चुप। अरे मैंने भी इसी घर की लड़की से शादी की। अच्छा? है दहेज थोड़े लिया था। हाँ? तो हम दहेज क्यों देंगे? लेकिन परंपरा है। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। जीजा जी, मेरी बहन बहन। नमस्ते नमस्ते जीजा जीजा। अच्छा सुनिए जरा इधर आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा जीजा को कितनी जल्दी है, आप लोग बैठिए मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तू ऐसे क्या घूर रहा है बे? मैं क्यों घूर रहा हूँ, ये अंदर पता चलेगा, इसीलिए हम सब आए हैं। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, उनको खा के आने दीजिए, फिर आपको भी मिलेगा। मजाक कर रहे हो, मेरी बहन के पति हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा किया तो जबड़ा उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा, पता है ना मेरे बारे में, जानते हो ना मुझे। चलो ठीक है अब आ ही गए हो तो कॉफी पीने के लिए जरा उधर चलो। बिना बोले तुम लड़की को लेके यहाँ आ गए, क्या मतलब है इसका? आपको तो शर्म नहीं आती? लड़की ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा, आपको कुछ याद भी है ज्योतिषी ने क्या बोला था? उस ज्योतिषी को तो मैं चप्पल। रास्ता इस तरफ है। उन्होंने गलत किया, माफ कर दो, उन्होंने आज जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर मुझे तो उन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है। कोई बात नहीं दीदी, जाने दो। बेटा कभी ना कभी तो तेरी शादी होगी ही ना, तब भी इस तरह की परेशानी होगी ही तुझे, अगर ये लड़की पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखती हूँ। आपको तो सब कुछ पता है ना, मैं किस लिए मना कर रहा हूँ ये पता है ना, इसके बाद ये सब कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, टॉर्चर मत कीजिए मुझे। ठीक है तू नाराज मत हो। ठीक है देखो जब होगा तब देखा जाएगा, अब तो खुश हो? ए, सारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। मुंबई से मेरी बेटी आने वाली है, ये बताइए कंपनी अच्छी है ना? कंपनी बहुत अच्छी है सर, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अच्छा जल्दी जल्दी करो। हाँ। डब्बा। हे मेरी बेटी अब तक आई क्यों नहीं?
बता किधर है वो? अरे वो पहले घर कहाँ आती हैं, गांव घूमेंगी, खेत घूमेंगी, लोगों का हाल चाल पूछेंगी, और वैसे भी वो अकेले नहीं है, उनके साथ चार लड़कियां और हैं, मेरी तरह शरीफ थोड़ी ना होते हैं सभी। बेवकूफ कहीं का, ये ले जा। दीदी आ गई। हाँ, आजा, आजा। कैसे है डैडी? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ। अरे गुड़िया कैसी है तू? ठीक से पढ़ाई करती है ना? हाँ। ये ठीक से पढ़ाई करती है ना डैडी? हाँ, करती है। दादी आजा 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 मेरी बच्ची, मेरी रानी बिटिया। कैसी हो बच्ची? तो ठीक है ना? अरे मनी तू आ गई बिटिया। कितनी दुबली हो गई है, पतले हो गए। कैसी है तू? इस बार एक महीने की छुट्टी है, मजा आएगा। ए, तुम लोग सारी बातें यही करोगी क्या? सफर में थक गई होगी ये। हाँ? इसके खाने पीने का इंतजाम करो। और मजा आएगा। चलो 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 अंदर आ। आजा। कौन है? अरे कौन है सर आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन है आप? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दो ना। कौन है आप? कौन है? अरे कौन हो आप? कर रही हो हा? शादी की उम्र हो गई है तुम लोगों की, ये कैसा खेल लेकर बैठी हो तुम लोग? क्या दादी, अगर शादी की उम्र हो गई तो क्या हम खेले नहीं? अच्छा, बहुत जबान चलाती है। रुको रुको मैं बताती हूँ, इसको इस तरह से हाथ में लेना है और इसको पांच पांच गिनकर रखना है, समझ गई? मालिक मैं दो दिन गाँव में नहीं हूँ। ठीक है, जो काम होगा छोटे पांडे से बात कर। ठीक है, भाई एमएलए से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपसे बात करेंगे, आज रात वो शहर से बाहर जा रहे हैं। हाँ, कुछ और कहा क्या उसने? नहीं बस यही कि आपसे बात करेंगे। ए, बाहर निकल। चल अब बोल, सबको बता। बोल। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ मालिक, मालिक मालिक मैं आपके कहने पर इनके गोदाम के चावल में जहर मिलाने गया था, मालिक बता दीजिए मुझे बचा लीजिए। बता था ना, ये चावल बच्चों के लिए फिर ऐसा क्यों किया? क्या सोचा था पूरी एक पीढ़ी मर जाती इससे, तो इंसान है क्या? उनकी बद्दुआ से तेरा परिवार बच पाएगा? बोल, तूने भी अपनी माँ का दूध ही पिया ना, जहर तो नहीं पिया? मालिक मुंह में जो आ रहा है बके जा रहा है, कोई कुछ भी आकर कह रहा है और तू उसकी बातों में आ रहा है, इल्जाम लगाने से पहले सोचा भी नहीं? बस बहुत बोल लिया, जिससे दुश्मनी हो उससे लड़ा कर, दूसरों को मत मार। तू चाहता क्या है, लोग मुझे बुरा इंसान समझे, यही ना? लेकिन इसके लिए भी एक इंसान बनना जरूरी है। सबको मारकर तू शमशान का राजा बनना चाहता है? हा? जना! ए! मुझे मिटाने की तेरी औकात नहीं है, कान खोलकर सुन ले, जीत हमेशा मेरी ही होगी, अपने दुश्मन को मैं उसी की ताकत से हराऊंगा, ये मेरी कुंडली में लिखा है। अगर दोबारा बच्चों
मैंने जैसा कहा वैसे भगवान से मांगा ना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जिसकी शादी नहीं हो रही है अगर वो मांग ले तो उसकी शादी हो जाती है। दादी, इतने दिनों तक मैं आपके साथ हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे ये इंसानों के लिए, तेरे लिए नहीं है। तू इंसान कहा है? सच ही कहा गया है, लोग घर की मुर्गी को दाल के बराबर समझते हैं। आप लोग मेरे बारे में नहीं जानती हैं। इधर से मैं शाहरुख खान दिखता हूँ, इधर से मैं सलमान खान, और सामने से अमजद खान। इसकी तो बोलती ही बंद हो गई। वही तो, कौन है? आहा हा। हमारे जमाने में हमारी शादी होने के बाद सालों साल तक पति का चेहरा हम लोग नहीं देखते थे, समझी? तो पति को कैसे पहचानती थी दादी? हाँ? बहुत शरारती हो। लड़की के अंदर से अगर शर्म हट जाए वो कुछ भी कर सकती है, कैसे भी रह सकती है। सिर्फ तुम लोगों के पास मूछें नहीं है। दादी, हाँ? वो कहाँ रहता है? कौन कहाँ रहता है? वही जो आज हमें मंदिर में मिला था, गोरा चिट्टा नौजवान। वो कहाँ रहता है दादी? वो किस गांव से आया है पता नहीं, लेकिन अच्छा काम करता है, अच्छा इंसान है वो। कहीं से भी आया हो क्या करना है। उसके माँ बाप ने किस समय उसका नाम जना रखा है पता नहीं, लेकिन आज सारे जन उसके पीछे हैं। हाँ बेटी, फिर ना जाना रे। अरे अरे अरे, अरे, अरे उतारना मत, इसे पहन के नहा लो। अरे कुछ तो पहन के नहा लो। ये क्या तुम्हारा शहर है? नहीं नहीं दादी, ये भी नहीं पहनते हैं। कैसी बच्चियाँ हो, एक सेकंड में उतार दिया। ए बच्चियों, ये कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें? इसे हमने खुद डिजाइन किया दादी, हम लोग डिजाइनर ही तो हैं। ऐसी डिजाइन यही करती हो तुम लोग? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कांजीपुरम की साड़ी बना दी हो। इसके लिए क्या पढ़ाई करना, एक शर्ट खरीद लो, इधर उधर काट लो और पहन लो। इसके लिए इतनी दूर क्यों जाना तुम लोगों को? ये क्या कह रही है दादी, कहीं से कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है, आगे भी है और पीछे भी दिख रहा है। अरे दादी, ये कितना कंफर्टेबल है पता है आपको? दादी, हाँ? मैं आपको एक नाइटी बना कर दूंगी, आप उसे ट्राई कीजिएगा। आई प्रॉमिस, उसके बाद आप साड़ी पहनना भूल जाएंगी। अब वही तो बाकी रह गया है इस उम्र में, नाइटी पहनो नाइटी पहनो। अरियो, ये साड़ी सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं होती है, ये अपने देश की पहचान है। उसे भूलना और कम कपड़े पहनना एक जैसा होता है, समझी? अच्छा दादी, उसकी अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना? वही जना, मुझसे पूछ रही हो? मुझे क्या पता। क्या पता क्यों नहीं की, बहन की बेटी पर जान छिड़कता है। जब घर पर होता है उसके साथ रहता है, जब खेत में जाता है तो किसान बन जाता है, जब कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करता है। इस तरह रहने वाले इंसान के लिए शादी करके घर बसाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। बहुत लोगों को देखा है, मेरा तजुर्बा यही कहता है। इसका मतलब है हा? कि वो पूरी जिंदगी भर शादी के बगैर ही रहेगा? शायद उसे अब तक कोई पसंद ही नहीं आया हो। हा? लेकिन ये बता, तू उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है? इससे ज्यादा उसके बारे में मुझे नहीं पता, और अगर जानना है तो अपने बाप से जाकर पूछ, वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है, जाकर पूछ। क्या दादी, कितना भूखा होगी? बोलो बोलो बोलो। हेलो हेलो हेलो, स्वामीनाथन जी, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। क्या हुआ? मुंबई में खबर है कि वो बाहर आने वाला है, अब आप देखिए।
मुझे दो। What a man! Wow! क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही साइट सीइंग। हाँ? साइट सीइंग। टीवी में जो देखती वो सच में करेगी क्या? तोड़ दूंगा। छिप कर देखना, छिप कर रहना, ये मेरे साथ मत करना। जो भी करना सामने आके करना, समझी ना? हाँ? लगता है अब इसके सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। लो देखो, मैं सामने आके खड़ी हो गई। वो क्या है ना? क्या क्या है? नहीं समझे क्या? लगता है सब कुछ समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं। अब क्या हो गया पापा? कौन सी बड़ी बात है? हमें पहले से पता था वो बाहर आएगा ही। आ गया तो क्या कर लेगा? डरिए मत पापा, मैं हूं ना। यही तो डर है मुझे। तू मेरा डर है। तू जानता नहीं, उसके बारे में अच्छे से जानता नहीं। मेरे बारे में आपको पता है ना पापा? क्यों बेवजह परेशान हो रहे? टेंशन मत लीजिए पापा, जब तक मैं हूं कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ होना भी नहीं चाहिए जना। तुझे कैसा होना चाहिए था? कहां होना चाहिए था? मैं इस तरह क्यों जी रहा हूं जानता है तू? तेरे लिए। ये सब किसने रखा? हमने रखा है। सफेद झूठ, मेरे रहते हुए कोई और कैसे रख सकता है? ये तीनों मिलके एक घास का टुकड़ा भी नहीं उठा सकती हैं। मैंने रखा है मालिक। ये कहाँ रखने वाला है? कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, या फिर यहाँ रखना है, बताइए ना। हटा ये सब। तुमसे बेहतर तो वही सुना नहीं तूने? ये सब क्या है? मेरे साथ खेल रही हो? हम लोग नहीं। क्या कहा? मनी मनी मेघना मनी मेघना, तुम लोग शहर से मार खिलाने के लिए आई हो? ए, ये मेरा ही नाम है, पसंद आया क्या? वैसे तू मुझे कुछ भी बुला सकता है। कितना स्वीट नाम है ना मेरा, मनी मेघना, स्वीट नेम है ना? नहीं, ये सब छोड़ दे, सोच मत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर दोबारा तूने ऐसा किया तो 32 ही तोड़ दूंगा, समझी कि नहीं? ए, जल्दी हटाइए। तुम्हारी वजह से हुआ है।
सामने से तेरे पास आ रही है, थोड़ा स्माइल करके नहीं बात कर सकता है तू? बहुत बुरा है तू। हर किसी को फूल अच्छे लगते हैं, फूल पता है ना? ऐसा कोई नहीं जैसे फूल पसंद ना हो। तुझे कौन पसंद है? तुझे क्यों बताऊं? मुझे भी एक फूल पसंद है, बताऊं कौन सा वाला? होगा कोई बेकार सा? बिल्कुल नहीं, सूर्यमुखी, मुझे वो बहुत बहुत पसंद है। तुम्हें कौन सा पसंद है बताओ ना, तुम मुझे बताओ। जब सूरज निकलता है तो वो भी खेलता है, सूरज जिस तरफ भी जाता है वो उसी तरफ मुड़ जाता है, सूरज जब ढल जाता है तो वो भी मुरझा जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ खुश हो जाती हूँ, तुम जहाँ कहीं पे भी जाते हो मेरा मन वहीं चला जाता है। जब मैं तुम्हें एक मिनट भी नहीं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, और ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते पहले कितनी बातें करती थी और अब बिल्कुल गूंगी हो गई है। क्या कहा, गूंगी हो तुम? बहुत अच्छी बात, बी सीरियस, करीब मत आना, बहुत बुरा इंसान हूं। जानती हूं, तुम इंसान नहीं हो, भूत हो, पिशाच हो, इसीलिए तो मेरा दिल तोड़कर जा रहे हो। क्यों जाओ, जाओ, तुम्हें मेरी जैसी कोई नहीं मिलने वाली है। मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ ना, उतना और कोई नहीं कर पाएगा तुमसे। याद रखना तुम, I love you, मैंने ये जाहिर कर दिया तो अब तुम भाव खा रहे हो। हाँ, देख लूंगी। एक बार और बोलना। बड़े साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैम साहब तो गांव घूमने आई थी, लेकिन ये तो इसके पीछे घूम रही है। तू क्या कर रहा था? मैंने तो सिर्फ एडवाइस दी है, आप लोगों को होशियार रहने को कहा है। मुंह बंद कर, पढ़ लिख कर भी इज्जत मिट्टी में मिला रही है लड़की। वो कौन है और हम कौन है, इसका उससे कोई मेल है क्या? पूरा गांव इनके बारे में बात कर रहा है। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, जल्दी से जल्दी शादी करवाओ। बेटा, अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसा सोचता है? शहर में पढ़ी लिखी है, किसी से भेदभाव किए बिना हर किसी से बात करती है, इसलिए गलत सोचेगा तू। दादी, मैंने सोचा आप ओल्ड जनरेशन हो, लेकिन आप तो यूथ को भी पीछे कर रही है। अबे चुप, तेरी तो ए, जल्दी से जल्दी कोई लड़का ढूंढो और फोन करके साले साहब को बता दो कि अब वो कॉलेज नहीं जाएगी। सुन ले माँ, हमारी बातें अगर उसे पता चली तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू माँ है। बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत पुण्य मिलेगा तुझे। दादी, वैसे पुण्य की असली हकदार तुम ही हो। वो कैसे बता? तुमने ऐसे दो लड़कों को जन्म दिया है ना कि सारा पुण्य तुम्ही को मिलने वाला है। बड़े बेटे ने जो तुझे लात मारी है ना, वो काफी नहीं है लगता है। छोटे को बुला, चुपचाप निकल जा। मुझे भी एक फूल पसंद है, सूर्यमुखी, मुझे वो बहुत बहुत पसंद है। सुनो माँ, ये सारे गहने मनी मेघना को पहनने के लिए कहो। हाँ। उसको देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं ना? नहीं नहीं, तू जाकर दे। पागल हूँ, लड़के वाले आ रहे हैं, साड़ी पहनना, मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ, आखिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? मैं किसी ऐरे गहरे को पसंद नहीं कर रहा, पढ़ा लिखा डॉक्टर है माँ। तुम उससे कहोगी तो वो मान जाएगी, ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे तुम सुनती क्यों नहीं, ले जाओ ना, जाओ पहनाओ उसे। तू क्या समझता है, बोलेगा पहनाओ तो पहनाऊंगी, उतरवाओ तो उतरवाऊंगी, क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ? अरे अरे अरे, उस लड़की के पास जाकर क्या बोलूँ मैं, क्या बोलेगी वो? मणि, 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 मणि कहाँ है? कहाँ चली गई, मुझे बताए बिना नहीं जाती है वो। बेटी मणि, मणि बेटा, कहाँ? सुनो तो लक्ष्मी। क्या हुआ माँ जी? बोलो ना, मणि को देखा? मैंने नहीं देखा। कब से नहीं देखा? लड़के वाले आ रहे हैं, साड़ी पहनानी है उसे, तेरा पति बोल के गया, अब किसे साड़ी पहनाऊं? तो फिर कहाँ चली गई माँ जी? कहाँ चली गई, मणि को ढूंढो। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की बदमाश। अरे बेटी मणि, अरे अरे, शंकर बेटा, शंकर बेटा, शंकर बेटा, अरे मेरी बात तो सुन, कहाँ है तू? मणि चिट्ठी छोड़कर गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या लिखा है इसमें? चावल एक बोरी, शक्कर 10 किलो, दाल। अरे ये राशन की रसीद है, तुम भी ना? चिट्ठी नहीं लिखी उसने, बिना चिट्ठी लिखे चली गई यहाँ से। दादी, दादी, मैंने पूरा घर छान मारा है, वो नहीं मिली, ना ही घर में किसी को वो बता के गई है। अंदर जाके ढूंढा भूत कहीं के, तेरी वजह से हुआ है। सच में चली गई क्या? कहीं नहीं जाएगी।
कहीं नहीं जाएगी वो। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरा खून है। हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। वो जरूर उधर ही होगी, उसके यहाँ ही गई होगी। अब जो होगा देखा जाएगा। अब हमें उसके घर में घुसना होगा। चुप रहे। उसके घर में घुसकर उसे ढूंढेगा। अगर वहाँ नहीं हुई तो क्या करेगा? पहले से दुश्मनी है और अब भाई तो... हड़बड़ी में कुछ भी मत करो। हमें शांति से उसे ढूंढना होगा। एक बार मिल जाए फिर बताते हैं। ए भाई, जाकर ढूंढो उसे। साथ में कोई भी दिखे उसकी लाश गिरा देना। जाओ। हे भगवान, मेरे परमेश्वर, मैंने जैसे सोचा वैसा ही होना चाहिए। मेरी पोती इनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। इन बेवकूफों को अंधा कर दो। मेरी पोती इनको कहीं नजर नहीं आई। उसे जहाँ पहुँचना है उसे पहुँचा दे भगवान। भगवान, 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 भगवान। दादी, मेरे जैसे फ्री इंसान को छोड़कर आप भगवान को क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? मैं हूँ ना आपके लिए। भगवान भगवान भगवान, भगवान भगवान, मैं भी जानता हूँ कि आप इस बुढ़िया से परेशान हो, इसलिए इस धरती के बोझ को धरती से नहीं उठा रहे हो। ये बुढ़िया नहीं, गांव की गुंडी है। भगवान, अरे बहुरानी, मेरी पोती सही सलामत आ जाएगी ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा ना बिटिया? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आती ही होगी। हे भगवान, थैंक यू भगवान। बेटा, नमस्ते जी। बेटा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए तुम्हें ढूंढते यहाँ पर आई हूँ। पहले ही दुश्मनी की वजह से ये गांव अलग हुआ है, और ऊपर से ये मुसीबत। हम जैसी बेचारी औरत क्या करेगी? बहुत डर लग रहा है बेटा। जी, बात क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या है ना, पोती लापता है। इस गांव के हर एक गली कोना ढूंढ लिए जहां वो जाती थी, लेकिन कहीं नहीं मिली हमें। और मेरे बेटों को तुम पर शक हो रहा है। वो तुमको बहुत पसंद करती है, ये उनको पता चल गया है। इस गांव में सिर्फ तुम्हारा घर है जहाँ उन्होंने नहीं ढूंढा। गलत मत समझो बेटा। और अगर वो तुम्हारे घर पर है तो यहाँ पर भेजने की कृपा करो बेटा। वो तुम्हारे घर पर है इतना बोल दोगे ना तो वो खुश नसीब है, ये सोचकर मैं अपने घर चली जाऊंगी। आप गलत समझ रही हैं माँ जी, फिक्र ना कीजिए, आप आराम से जाइए। आपके घर पहुँचने से पहले आपकी पोती वहाँ पहुँच जाएगी। वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा, हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करती है। यहाँ क्या कर रही हो माँ? मैं मनी को ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हूँ उसे? नाटक बंद करो, घर पर लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी में बैठो, उस तरफ से जाओ। हाँ जा रही हूँ ना उसी तरफ। कहाँ? मेम साहब, आपको जहाँ आना चाहिए था आप बिल्कुल उसी जगह पे आई हैं। अभी आपके पापा, चाचा और उनके आदमी पूरे गांव में आपको ढूंढ रहे होंगे। आप यहाँ हैं, उनको कैसे पता चलेगा? और अगर पता चल भी गया तो आएंगे कैसे? उनके आने से पहले मालिक आ जाएंगे। मुंह से निकला नहीं कि मालिक हाजिर हो गए। आइए आइए। मुझे कुछ पता नहीं था, ये सूर्यमुखी का फूल लेके उधर बैठी हुई थी आपसे मिलने के लिए। उधर धूप लग रही थी इसलिए मैं इन्हें लेके छांव में आ गया। ये जो बोल रही मुझे तो सही लग रहा है। मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है। सही फैसला है। मैं तो सही बोल रहा था, फिर मारा क्यों? टैंग-टैंग। भाग कर जाने में बहुत रिस्क होती है, इसलिए मैं पूरी प्रिपेयर होकर आई हूँ। नहीं तो पकड़े जा सकते हैं। यहाँ से राइट जाएंगे तो 20 किलोमीटर में केरला, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो 600 किलोमीटर आंध्रा। बोलो कहाँ जाना है? ए, मुंबई चलते हैं क्या? मुझे पता है तुम वहाँ नहीं गए। इट्स अ वंडरफुल सिटी। ठीक है, अगर वो भी पसंद नहीं है तो आगरा चलते हैं।
यमुना नदी पर बैठकर दूर से ताजमहल देखेंगे। कितना ब्यूटीफुल नजारा होगा ना, और वहाँ तुम, मैं और हमारा प्यार। कितना अच्छा लगेगा ना, और सुकून भी मिलेगा, क्या कहते हो? ए, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, इंडिया पसंद नहीं तो फॉरेन चलते हैं क्या? शिकागो में गणपति का एक नया मंदिर बना है, वहीं चल के शादी करते। क्या हुआ? ठीक है, न्यूजीलैंड चलते हैं। वहाँ माइग्रेट करना भी बहुत इजी है। साउथ के सारे हीरो हीरोइन डांस करने वहीं जाते हैं। हम भी नाचेंगे, गाएंगे। मैं पासपोर्ट भी लेकर आई हूँ। पैसे की भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत है मेरे पास। और ये एंटिक ज्वेलरी किसी आर्ट गैलरी में शो करेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। तुम तब से कुछ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तुम अच्छे से डिसाइड करके बताओ, जहाँ तुम वहाँ मैं। नरक में भी रह लूंगी मैं, और तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे लिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोलो ना, कहाँ लेके जा रहे हो? जल्दी पता चल जाएगा। ए, ये तो मेरा एरिया है, मेरे घर पे क्यों लेके जा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं आना है। अरे बाप रे, क्या रुबाब है इसका? आपको ये चाहिए थी, मैंने दे दी। अब तो हो गया ना, मुझ पर कोई शक नहीं है ना? नहीं है ना? मुझ पर गुस्सा करोगे, मुझसे नफरत करोगे, ये सब चलेगा, लेकिन कोई मुझ पर शक करे इतना गहरा इंसान नहीं है। ए, 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 इस तरह शराफत की बात मत कर। इसे बहका कर अपने साथ ले गया, और जब पता चला कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं तो डर कर वापस ले आया। डर? डर ना, मैं जानता नहीं कि डर होता क्या है। यू चीट, यू कुड हैव। ए, घर छोड़ते वक्त एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। छोड़िए इस नादान को, ये सब तो आम बात है, इस उम्र में तो ये सब होता ही है। हम बाकी की बातें कर लेते हैं। बाकी क्या है? होने वाले दामाद के लिए हॉस्पिटल बनवा के दे रहे हैं, बाकी के लेन देन के बारे में भी इनको पता है। ए, इस घर में कदम रखने के बाद बात करने की हैसियत होनी चाहिए। ये कोई गांव की पंचायत नहीं है कि कोई भी आकर यहाँ फैसला सुनाए। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। ठीक कह रहे हैं वो, सब कुछ आपको भी पता है और उनको भी अच्छे से पता है, लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे पता है। यहाँ से अगर कुछ ले जाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, समझे? नहीं, इन्होंने एक लड़का पैदा किया है ना, तो लड़की के साथ पैसे भी चाहिए ना, है ना? एक औरत बच्चे को जन्म देकर इस धरती को शमशान होने से बचाती है, वो एक देवी है, महाशक्ति है। उस लक्ष्मी को अगर अपने घर लेकर आना है तो उस पर धन दौलत बरसाना चाहिए। वो जानवर नहीं कि कहीं भी बांध दो उसे, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, धन दौलत है, इसलिए उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तू इतना क्यों परेशान है? तू उससे शादी करने वाला है क्या? मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर सोच लिया कि यही लड़की चाहिए तो इसे घर में घुस कर ले जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अंदर जाओ सब लोग। भैया, ये हमारे घर में आकर हमको ही धमकी देकर जा रहा है, इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। नहीं छोटे, ये मेरे गुस्से को और भड़का के जा रहा है, अब आगे देखना क्या करता हूँ। अरे ठीक है ना, उठा दे, उठा। चलो चलो। अरे नहीं, इतने सस्ते में नहीं होगा भाई।
कल तू मेरे घर में था इसलिए तुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन आज नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ए, देख, ऐसा मत कर, मैं करता हूँ ऐसा। अरे 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 मैं कह रहा हूँ ऐसा मत कर। अरे छोड़, अरे अरे कर रही है। अरे दादी क्या हो, क्या रहा है? तुझे शहर नहीं जाना है, यहाँ खेलना है। मेरी प्यारी दादी, मेरी नटखट सी दादी, मैं जब वापस आऊंगी ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। हाँ क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, क्या बात है। शहर जाने से पहले एक बार मैं उससे मिलकर आऊँ क्या? जल्दी आ जाऊंगी मैं। एक दो क्या बदमाश कहीं की, जा सारे दांत तोड़ दूंगी। थोड़ी छूट क्या दीदी, ज्यादा ही उड़ने लगी है तू। वो कह रही है कोई ऐसे बुलाता है? अपने होने वाली पति को अगर तू वो कह के बुलाएगी ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी दादी बेस्ट दादी है, मैं अभी मिलकर आई हूँ, पापा से मत कहना। हाँ, तू जा मैं तेरे बाप को संभाल लूंगी। बॉय आधे घंटे में आ जाना। ठीक है। भगवान अच्छा लड़का है, इनकी जिंदगी अच्छे से गुजरे। हे भगवान, तुमसे मेरी यही प्रार्थना है। क्या हुआ माँ जी, कहाँ जा रही है? वो क्या है ना, अब मणि शहर जा रही है ना, तो मैंने उसको अपने मंदिर जाकर प्रार्थना करके आने के लिए भेजा है। अगर उन्हें पता चलेगा कि अकेली गई है तो मुझे जान से मार देंगे। अपने पति की तरह तू भी मुझे बेवकूफ समझती है, पागल हो गई हूँ क्या? साथ में डब्बा को भेजा है, वो उसे संभाल कर ले आएगा। जो भी हो,
आप ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हैं। अरे तो जाना डब्बा। दादी जी अभी तक आपने खाना खाया कि नहीं? नालायक चिल्ला क्यों रहा है? पूछा ही था। आधे घंटे तक इस गांव के अंदर किसी को दिखना नहीं चाहिए, तू चला जा यहाँ से। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा पूछा क्या था? ए सरिता उधर देख। देख देख मनी जा रही है, देखते हैं अब क्या होता है। तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या? अकल थी ना, लेकिन तुमसे मिलने से पहले तेरी पिटाई होने वाली है। पता है मुझे, तू बहुत अच्छे से पिटाई करता है। मैंने देखा है तुझे, बहुत कमाल का है तू। जब मैंने तुझे देखा था तभी मुझे पता चल गया था तुझमें कुछ अलग बात है। बापरे, जैकी चैन की फिल्म जैसी फाइट थी। बेचारी चाची पूरे दिन उनकी मरम पट्टी कर रही थी। बेचारे मेरे चाचा, बुरा हाल हो गया। तुझे क्या चाहिए बोल, यहाँ क्यों आई है? तुम्हारे पास क्यों आऊंगी मैं? बात करने के लिए। इतने पास आ गई, अब देखते हैं क्या होता है। लगा था एक महीने के लिए खुश होंगी, नहीं होगा। क्या हुआ? मेरे पापा मुझे तुरंत मुंबई जाने के लिए कह रहे हैं। पता है क्यों? हमारी वजह से विलन को पता चल गया और हम अलग हो गए। वही मेरे पापा, तुम्हारे ससुर हमारे विलन। मैं तो मुंबई जा रही हूँ, तुम आ रहे हो क्या? बहुत खुशी हुई, आनंद आ गया। जा आप तू यहाँ से, वापस मत आना। ज्यादा खुश मत हो, मुंबई से कोयम्बटूर हर एक घंटे में एक फ्लाइट है। एक दिन में 10 बार जाके आ सकते हैं, समझे क्या? मुंबई जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई में स्कॉलर हूँ, लव में भी बन जाऊंगी मैं, ओके? और साथ ही में इंटरनेट और स्मार्टफोन, दुनिया तो फिंगर टिप्स पे है, हर सेकंड में बात हो सकती है, समझे क्या? एक काम कर, तू किसी और पागल को पकड़ ले और उससे बात किया कर। हे प्राणनाथ, मेरा शरीर दूर जा रहा है लेकिन मैं प्राण यही छोड़ रही हूँ। चाहे तुम मुझे जितना भी चाहे दूर करने की कोशिश कर लो, लेकिन दूर नहीं हो पाऊंगी। आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए प्राणनाथ। अरे तुमको पास। हम लोग जवान हैं, ऐसे ही पेश आएंगे। तुम लोग अपना काम करो, चलो चलो। हाँ चलो चलो। किस अच्छी थी क्या? You want one more? दूंगा। Bye. इधर है वो। कौन साहब? जिसने मेरा फैसला किया उसका फैसला मैं करूंगा। रुके, गाड़ी रुके, गाड़ी रुके। आप कौन है? आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? यमराज को भी अपॉइंटमेंट चाहिए। चलो अलिनी, तूने कविता से बात कर ली? मैं एयरपोर्ट से पिकअप कर लेता हूँ, ओके? और नमस्ते जी। अरे भूल गए क्या? याद नहीं है? भंडारी, विश्वनाथ भंडारी। अरे भूल गया रे। ऐसे घर में घुस के लफड़ा क्यों कर रहे हो? वॉचमैन, वॉचमैन, चल उधर। इधर आ रे, मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। क्यों रे? 40 साल की उम्र में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 45 साल की उम्र में बाहर आकर मैं क्या करूंगा? लाठी पकड़ कर ऊपर जाने की राह देखूं क्या? उसमें मेरी गलती नहीं है, रूल के हिसाब से। रूल्स की ऐसी तैसी मत कर। रूल्स? एक अच्छे इंसान को आज तक तुम लोगों ने अंदर डाला? किसी बुरे इंसान को आज तक बाहर नहीं छोड़ा क्या? रूल्स सिखा रहा है मुझे, बड़े अक्षरों में हरे रंग से दस्तखत कर दिया। तू इस पेन से फांसी लिख देगा तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा क्या? ये गलत है। अभी मेरी बारी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 356 ऑफ IPC, तेरे मरने तक। Oh!
ये तो सिर्फ गोली है, बंदूक कहाँ है, किधर है वो? को भेजा था, उनका हाथ काट दिया। मालिक, मेरे पति की गर्दन काट दी, उनके बचने की उम्मीद नहीं है। मालिक, मैं क्या करूं? इतने बड़े तलवार से उनका हाथ काट दिया। ए, तलवार तेरे पति के हाथ में तो थी, वो भी तो उसे मार सकता था। वो इंतजार कर रहा था कि कोई आकर उसे मारे। अरे कहाँ से पकड़ कर लाया इन्हें तू? ए, जाओ भागो यहाँ से। चार लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए और चली आई रोते हुए। बाहर किसी ने मुंह खोला ना तो जान ले लूंगा, समझे? सही कहा, ये सब इसी के काबिल है। सुनो, तुम लोग मुनीम से मिल लो और उसके इलाज के लिए पैसे लेकर जाओ। जाओ निकलो। सुन, तेरी बेटी चार बार फोन कर चुकी है, तूने एक बार भी बात नहीं की। वो सही सलामत पहुँची कि नहीं, उसके बारे में सोचा तूने? माँ, मुझे सब कुछ पता है, घर आकर बात करता हूँ। हाँ, सब पता है। और इसको देखो, पूरा का पूरा निकम्मा। हे भगवान, मेरी पोती अकेली गई है, उसे सलामत रखो, उसका साथ दो भगवान। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लगता है तुम्हारे बाप के दिमाग में कुछ स्ट्रॉन्ग लोचा है। मजाक मत कीजिए अंकल। और नहीं तो क्या, ऐसे लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवाने की जगह वो इससे दुश्मनी कर रहा है। जब से वो आए हैं पापा की परेशानी बढ़ गई है। क्या परेशानी है, वो कहीं का नवाब है क्या? पूरे गाँव में मारा मारी करता फिरता है, उसी परेशानी की वजह से मैं मुंबई आकर सेटल हो गया। क्या है कि मुझे डिसेंट रहना पसंद है ना, इसीलिए मैं बहुत डर रही हूँ। अंकल, गांव कब जाना है? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्पीड लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं अंकल। अरे समझ गया भाई, समझ गया, दो दिन बाद चले चलेंगे, लड़का एकदम हीरे जैसा है। अरे सॉरी मैडम। क्या है भाई? सॉरी सर। हे भगवान, गलती से गिर गया, लाइए मैं साफ कर देता हूं। जना, हमारा जना। जना? ए दीपक, इधर आओ। ये देखो। क्या ये? जना, जब से तुम मुंबई आई हो तब से जना जना कर रही हो। फोटो देखने के बाद ये लोग जना जना कर रहे हैं। तुम्हारा लवर हिंदी फिल्मों में हीरो हुआ करता था क्या? चुप रहिए अंकल। एक्सक्यूज मी, आप इसे जानते हैं? क्या मैडम, इनको तो यहाँ छोटा बच्चा भी जानता है। अपने जना की फोटो इनके पास कैसे? क्या कहा? आपका जना? ये हम लोगों का जना है। शायद आपके जना से चेहरा मिलता होगा, नाम भी मिलता होगा, लेकिन ये मुंबई कभी नहीं आए हैं। ये कोयम्बटूर के एक छोटे से गाँव ताम्रपाड़ी में रहते हैं। व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है? सर, अपने जना की फोटो। सर हाँ, जना, ये फोटो किसके पास था? इनके पास थी सर।
एक्सक्यूज मी, यस आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल। आप? दरअसल मैं मुंबई में काम करता हूँ, हाँ? लेकिन मैं कोयम्बटूर के तामरपाड़ी गांव का रहने वाला हूँ। सर, जनाब के रिश्तेदार हैं? अभी बनने वाले हैं। ये मेरी बहन की बेटी है, इससे उसकी शादी होने वाली। मैडम, अरे ये क्या कर रहे हैं सर? आप मेरे पिताजी की उम्र के और आप मेरे पैर पड़ रहे। उम्र का क्या है बेटी, बाप का नाम परमेश्वर हो या बेटे का नाम सत्यनारायण, क्या उसे प्रणाम नहीं करते? मैं, मेरे ये एम्प्लॉइज, ये होटल, ये सब जना की मेहरबानी से ही है। सुनिए, हमारा जना मुंबई कभी आया ही नहीं, और अगर वो यहाँ आया नहीं तो किसी को जिंदगी कैसे दे सकता है? पूछ रहे हैं जना मुंबई आया क्या? सर, मुंबई की कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ जना ना गया हो, कोई गुंडा ऐसा नहीं जिसने उसकी मार ना खाई हो। जना सिर्फ एक नाम नहीं है, 4 साल पहले तक वो यहाँ के लोगों की हर परेशानी दूर करने वाला मंत्र था। उस जना को शायद आप नहीं जानते होंगे। Thank you.
आप लोगों को शौक लगा? ओहो, आप यही सोच रहे हैं ना कि आपका दामाद मारपीट करने वाला इंसान है? जहाँ गुस्सा होता है वहीं तो प्यार होता है, इतना तो आप समझते ही होंगे। प्यार, जज्बात, हमदर्दी, ये सारी इंसानियत की चीजें चना के अंदर भी है। इसीलिए आप सिर्फ उनके घर की बहू नहीं है, पूरे मुंबई की बहू है। हम आपका स्वागत करते हैं। आह, बढ़िया। आह, देवकी, तुमने खाना बनाया? क्यों? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको तो सिर्फ स्वाद पता है, दिन त्योहार कुछ भी याद नहीं रहता आपको। ये तो जना थोड़ा जिम्मेदार है, इसलिए मुझे राहत है। हाँ, दे रही। मैंने क्या लापरवाही कर दी? और क्या, पिछले महीने की 20 तारीख को मेरा बर्थडे था। शुरू हो गए। आपने एक बार भी विश किया? छोड़ो ना मां। जना, ठीक है। आप तो अपनी कोट पहनकर कोर्ट चले गए और ये भी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्टेशन चला गया। सिर्फ मेरे जना ने ही मुझे बर्थडे विश किया और एक अंगूठी प्रेजेंट में दी, ये देखिए। देख, अच्छा, लास्ट ईयर पापा ने आपको कार गिफ्ट किया था, वो भूल गई आप? की थी क्या आपने? किया था ना माँ। हाँ, की थी, पर वो तो पिछले साल की बात है ना। इस साल तो विश करना भूल गए, ये पॉइंट है। तेरी उम्र हो गई है अब। आज भी इसे ही याद था, ये मुझे मंदिर ले गया, सारा खाना बनाया, सब कुछ किया। पता है आपको आज किसका बर्थडे है? मजाक मत कीजिए, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सॉरी, क्या है, पिछले हफ्ते तक याद रखा था, आज सही समय पर भूल गया। अगले साल देख लेना, धूम मचा देंगे। अगले साल रिटायर होने वाले हैं, फिर इन सब के अलावा आपके पास काम ही क्या रहेगा? अभी एनिवर्सरी के दिन रिटायरमेंट की बात कर रही हैं? अभी सर की उम्र ही क्या है? सही कहा स्वामीनाथ, होशियार नहीं रहेंगे तो बूढ़ा बना देंगे हमें। अभी आपकी उम्र ही क्या है पापा, अभी तो आप जवान हैं। तू ज्यादा मस्का मत लगा, इनकी तो हर बात तुझे सही लगती है। ये क्या, पहले हमारे साहब की शादी होने दीजिए, फिर सर के बारे में बाद में सोचेंगे। सर वेट करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। राइट, यस सर। क्या कहा? नो सर, नो मैडम। नमस्ते भाई। जना, वो आया है, सेंट्रल होटल का ऑनर। कब हुआ? सुबह। मारवाड़ी बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, अचानक गुंडों के साथ होटल में आया और कहा मेरा होटल है और सबको मार के भगा दिया। आप पुलिस के पास नहीं गए? गया था ना, उन्होंने कहा 5 लाख रुपए लेकर आओ, तब मारवाड़ी से बात करेंगे। जना, B4 पुलिस स्टेशन, रामनाथ नाम है SI का। 3 पीढ़ी से हम लोग वहीं रहते हैं, होटल ही हमारी रोजी रोटी है। ये देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल रसीद, ताम्रपट्टा भी है, और आज मेरे बेटे के पास सोने के लिए एक जगह भी नहीं। भाई, पहले तो लोग बेनामी जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन अब रजिस्टर्ड जमीन पर भी कब्जा करने लगे हैं। वो हमें कमजोर समझते हैं क्योंकि हम लोग दूसरे शहर से गुजारा करने आए हैं ना, इन्हें कुछ नहीं कहा तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी। उनसे मार खाकर अपनी हड्डी तोड़वाना ही हमारी किस्मत में है क्या? हमारे 40,000 परिवार यहाँ हैं, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये सोचते बैठोगे कि कोई आवाज उठाने वाला आएगा तो वो हड्डी तोड़ते रहेंगे। हर एक को आवाज उठानी चाहिए, पूछना चाहिए, तभी बात बनेगी। गणेश, आज इन सबको अपने घर लेकर जाए। उन्होंने बोल दिया है ना, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, कल से वो होटल आपका हो जाएगा। चलिए, ठीक है भाई। मैं
भैया, भैया हम आपके भरोसे ही अपने घर जा रहे हैं, मेरी बेटियों को आप ही बचाना भैया। तिलक नगर से आ रहे हैं, इनके पति को गुजरे 10 साल हो गए हैं, बड़ी तकलीफें सहकर इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया है। उस एरिया में एक गुंडा बार बार आकर इनको परेशान करता है कि अपनी बेटियों को भेज दे, एडवांस में 10,000 दे दूंगा और बाद में तू इनके जरिए लाखों कमा सकती है। उनके डर की वजह से ये लोग पुलिस के पास भी नहीं जा रही है। मैंने आपके बारे में सुना, इसलिए मैं इनको आपके पास ले। नाम क्या है उसका? चेतन है उसका नाम। यहीं का है वो, उस एरिया के दादा आमिर की सपोर्ट की वजह से वो लोग ऐसा कर पा रहे हैं। आप डरिए मत, घर जाइए, इन्हें घर लेके जाओ। ठीक है, नमस्ते। अरे क्या कर रहे हैं आप, हमें बचा लेना। जाइए। चल, चलता हूँ भाई। ठीक है बन्नी, आज शिकार पे जाना है, बहुत दिन हो गए। आओ आओ, मालूम था 10,000 रुपयों की बात है, तुम आओगे मैं जानता था। अपना धंधा ही ऐसा है ना, पहले मना करोगे फिर मान जाओगे। कहाँ है तेरी लड़की? ओह, कार में आई है क्या? तभी तो अच्छा रेट मिलेगा। क्या बात है, धंधे का उसूल तुम्हें जल्दी समझ में आ गया? कार से उतरने को बोल, आज अच्छा दिन है, धंधा शुरू करते हैं। सोना बेटी, एए, एए, रुक। एए, कौन हो तुम लोग? देखा है ना, धंधे के लिए 2 कोल लेकर आया हूँ, रेट बता क्या है। टकले, कलेजा फट रहा है क्या? हाँ, दिल में आग लग गई तेरे ना। एए, तेरी बीवी और बेटी इसलिए तो फड़फड़ा रहा है, अब तेरे दिमाग में बात आई? दूसरों को भी ऐसी तकलीफ होती है। मुझे छोड़ दो, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, आज के बाद ये सब नहीं करूँगा, प्लीज छोड़ दो। एए, जिसकी इज्जत होती वो मजदूरी भी कर लेता है, तो जैसी दलाली नहीं करता। अब तुझे मौका नहीं मिलेगा। नहीं, अरे नहीं, माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। जना, कस्टम से भुवनेश आया था, तुमसे मिलने के लिए बोल रहा है। मैं मिल लिया, इधर ला। सब कुछ रेडी है जना, 6 बजे सलीम बोट लेकर आ जाएगा, अभी टाइम बहुत है, लेट नहीं होंगे। कस्टम्स की बोट आएगी तो भुवनेश का नाम लेने के लिए बोल, ठीक है? अच्छा, एक जरूरी बात है, सेंट्रल होटल के ऑनर का अभी फोन आया था कि वो जो मारवाड़ी सेठ है वो सेठ आ गया, घर पे है, यही ना? अरे राम सिंह, कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं, मुंह में कुछ रखा है क्या? क्या हुआ, क्यों मार रहे हैं ये लोग, बताइए ना। क्या क्या हाथ चोटी, मैं होटल वापस कर देता हूँ। डर लग रहा क्या? एक चिंगारी में सब खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। तेरे पति ने जो दूसरे के साथ किया वही मैंने इसके साथ किया, इसने एक परिवार को सड़क पर ला दिया, कितना दर्द हुआ होगा उनको, अब पता चला ना। ये सारे कारनामे छोड़ दो वरना गर्दन शरीर पर नहीं रहेगी। जहां बिना इंसाफी होती मैं मजाता हूं, ये मेरी गलती नहीं है। Bye-bye.
थैंक यू। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। वी विल बी एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स टू आवर फॉरेन बायर्स अंडर देयर ब्रांड नेम यूजिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन द मीन टाइम वी विल ऑल्सो बी मार्केटिंग दीज प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री अंडर आवर ब्रांड नेम विच इज ट्रिपल आई। आई प्रोमिस यू ऑल द ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड सो इज द प्रॉफिट। वेल डन जाना, ग्रेट, नीट प्रोजेक्ट, इट विल बी मच प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। थैंक यू यार, बच गया तू। मैं तेरे बाप से बात करने वाला हूँ, यही कि तेरे बेटे ने लॉस एंजलिस में कंपनी को खड़ा कर दिया है और इसी महीने नई ब्रांच शुरू कर देते हैं लंदन में, और तू वहाँ का जीएम होगा। इसी हफ्ते जाना है तुझे। क्यों मुझे भगा रहे हैं सर, यही रहने दीजिए, पसंद नहीं आया क्या? ओके ओके, जैसी तेरी मर्जी, जब तू जाना चाहे तब चले जाना, वी आर वेटिंग। थैंक यू सर। गांव जाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, लंदन क्या लाइफ है वहाँ की, यहाँ पे क्या है, झोपड़पट्टी, नाला, करप्शन, गुंडागिरी, क्यों मना कर रहे हो तुम? बदलना है इसलिए। अपना गांव छोड़कर यहाँ धंधा करने आए हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए अपने गांव वालों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे? जो लोग देश छोड़कर दूसरे देश में धंधा करने जाते हैं वो लोग भी सुख से रहते हैं। हम लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं समझा, लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे इसका फैसला चाहिए। हाँ। कौन करेगा? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या कहा था याद है? आप ही ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन आपने बोला इसीलिए हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने लोगों के साथ धंधा शुरू किया, अब हम क्या करेंगे? हम लोगों के साथ रहकर हमारे साथ धंधा करने वाले 8 लोग आज हमारे साथ नहीं है, मार डाला, खून किया। हम बंदूक उठाना भूल गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए भाई। रास्ता बताने के लिए मैं पुराना सलीम भाई नहीं हूँ, अब तो सिर्फ मेरा नाम है, मैं क्या बताऊँ। ऐसे हाथ खड़े करने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया है, जिसने आप लोगों को बुलाया है उनसे पूछो। देखो जना साहब आ गया। ओ ये तू आ गया। आइए जना साहब, सच में बहुत खुशी हुई। अब आप आ गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो खुश हो भाई, जना आ गया ना। आप आ गए वही काफी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि आप हमारे साथ हैं जना साहब। अब हम लोगों का कोई बॉम्बे में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है साहब, आज के बाद आप उनकी जगह पर वहां पर जाओगे साहब, और मुंबई के लोगों की आप सुरक्षा करोगे साहब। आज के बाद मुंबई में एक बूंद खून और एक भी बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए। क्या हुआ ये जानकारी मैं इधर आया हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं और न ही चाकू उठाने की। आप सब लोग थोड़े दिन अपने घरों में रहो, छिपने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इंतजार करो शिकार करने के लिए। ये वही है, यही है, आने बच्चा है। गलत कर रहा है तू, गरीबों पर हाथ डाल रहा है, ठीक नहीं है, छोड़ दे। ए, तुझे पता है किससे बात कर रहा है तू? चुप कर, तू मुझे जानता नहीं है, जिंदा वापस चला जा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैं तुझसे भी बुरा इंसान हूँ, पूछ ले इससे, सारे बुरे लोग मुझे जानते हैं। क्या बोल रहा है तू?
माइंड योर वर्ड्स। अब बता क्या इरादा है, बात करके समझौता करना है या बात को बढ़ाना है? बढ़ाना है, उसके लिए तो जिंदा रहेगा तो कुछ बात होगी ना। अरे चीट, तेरे आदमी है ना ये, तेरे साथ रहते थे, तेरी उंगली पे नाचते थे, देखा ना तूने? एक सेकंड काफी है, जितने तेरे पीछे खड़े हैं सब मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे, तू अकेला रह जाएगा, तेरे साथ कोई नहीं रहेगा। चटियार, 20 करोड़ लेकर तू क्या दे रहा है? 2 करोड़। हाँ, भीख दे रहा है क्या? बोलना, भीख दे रहा है क्या? पेपर दो इसे, चल साइन कर, साइन कर, चल साइन कर, ए साइन कर, कर। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो फिर बात नहीं करूंगा। जहां भी नाइंसाफी होगी मैं आऊंगा, ये मेरी गलती नहीं है। वो एक हार्ट पेशेंट था सर, हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन पेपर में छपा है कि उसको हमने मारा है। आई सी। इसलिए वो लोग बॉडी नहीं ले जा रहे हैं और पब्लिक हंगामा कर रही है। 10 मिनट में आता हूँ। अरे क्या जना, तू घर पे ही था क्या, दिखाई नहीं दिया? सिंसियरली काम कर रहा हूँ भैया। ओहो, ये सारी कहानी पापा को सुनाना? वो भी यकीन नहीं करेंगे। क्या सर, आप भी? माँ खाना लगाओ। माँ। क्या बेटा? जोरों की भूख लगी है। हाँ आ रही हूँ। क्या माँ इतनी देर? आ गई बेटा, सुबह 5:30 बजे से किचन में हूँ, 2 दिनों से काम वाली भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। आइए मैडम आइए, 2 दिनों से कहाँ थी तू, आई क्यों नहीं? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है मालकिन, हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या हुआ? कॉलेज गया था मेरा बेटा, वहाँ पर कुछ लड़कों ने झगड़ा किया उससे, चड्डी पे उसे भागने के लिए मजबूर किया, उसने उन लोगों को मना किया तो उन लड़कों ने उसे मिलकर बहुत मारा, मेरा बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गया है मालकिन। अरे अरे रो मत, रो मत। कौन से हॉस्पिटल में है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वो मालकिन, मैं दोबारा कॉलेज नहीं जाऊंगा ऐसा कह रहा है वो मालकिन। ये तो बिल्कुल गलत है, पुलिस में कंप्लेन करके उन्हें अंदर करवा दे, तभी सुधरेंगे ये लोग। मैं क्या कर सकती हूँ, सभी अमीर घर के लड़के हैं, मेरी क्या औकात है मैं उन पर केस कर सकूं? मैं जिस भगवान को पूछती हूँ मालकिन, वो ही भगवान उनको सजा देगा मालकिन। अरे माँ एक डोसा देना ना और जल्दी करो, काम है। अपने बाप के दौलत बहुत घमंड है, मार डालूंगा तुझे। ए, चल, दूसरों का दर्द क्या था पता है तुझे? बोल, पता है? वो औरत कितने घरों में जाकर बर्तन धोकर अपने बेटे को पढ़ा रही है? बोल, चट्टी में भागने के लिए बोला, अभी मैं तुझे नंगा भगाऊंगा। भागेगा तू? भाग जा नहीं तो जान से मार दूंगा। सॉरी भाई,
सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी बोलने से वो अच्छा हो जाएगा। आज के बाद कभी भी ऐसा करेगा तू बोल? नहीं नहीं भाई नहीं। तू उस लड़के के पैर पड़ेगा और उससे माफी मांगकर उसे कॉलेज लेकर जाएगा। क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ए बर्ने, क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। मंदिर ठीक हो गया, कॉलेज जा रहा है। हाँ, वो लड़के खुद आकर उससे माफी मांग कर उसको कॉलेज लेकर गए। अरे ये सब कैसे हो गया? सब ठीक हो गया, मेरे रोने की आवाज सुन ली भगवान ने, इसलिए उन लड़कों को सद्बुद्धि देकर उनको भेज दिया। अच्छी बात है, जो भी हो भगवान उसे खुश रखे। हाँ मालकिन, इसलिए मंदिर के दान पेटी में 101 रुपया डालने जा रही हूँ, ये आपको बताने आई हूँ मालकिन। हेलो, ये पैसा भगवान के लिए है। ओके, मैं कल बात करता। कहां से मिली उसे इतनी पावर? अगर वो लगातार सबसे झगड़ा करता रहेगा तो आगे क्या होगा पता है? पिछले 10 सालों से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ सलीम के साथ खत्म हो चुका था, अभी ये नया शुरू हुआ है। ये देखिए कंप्लेंट के जेरॉक्स हैं ये। तुरंत एक्शन लेने के लिए बोलता हूँ सर। कोई जरूरत नहीं, जिन्होंने कंप्लेंट दिया था खुद ही वापस ले चुके हैं, केस क्लोज्ड। इससे पहले कि पुलिस कोई कदम उठाए, कोई और ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कंप्लेंट करने वाला कहता है कि भगवान ने समस्या का समाधान किया है, अब वो कौन है कुछ पता ही नहीं। जब सलीम भाई का टाइम था तब लोग मदद के लिए उसके पास जाते थे, वो मदद करते थे, लेकिन आज उसकी तारीफ कर रहे हो क्या? मुझे तो सीधा सीधा ये जंगल राज लगता है, फिर हम सबकी किसी को जरूरत ही क्या है? ये पुलिस स्टेशन ही क्यों है? ताला लगा दो, सब लोग घर जाओ। ये भी एक तरह से उसकी तारीफ लग रही है सर। मिस्टर स्वामीनाथ, बी सीरियस। सॉरी सर। ध्यान रहे कि हम सब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठे हैं। क्या है, क्या हुआ, प्रेस वाले आ गए? वो लोग वेट कर रहे हैं सर, 10 मिनट में आता। ठीक है सर। मीडिया पहले जैसी नहीं है, छोटी न्यूज भी मिल गई ना तो अपने डिपार्टमेंट की इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे वो, और उसे हीरो बना देंगे। सो उसको कैसे भी ढूंढ कर निकालना होगा, बट बहुत ही सीक्रेटली हैंडल करना होगा। नो प्रॉब्लम सर, सिर्फ 2-3 एरिया ही है सर, आसानी से पकड़ लेंगे, यहाँ के लोकल गुंडे ही होंगे। कुछ भी हो जाए उसे पकड़ो, कौन है वो गैंग लीडर ये पता चलना चाहिए, समझे? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। 1 मिनट, अगर वो पकड़ा जाता है तो FIR लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे शूट कर दो, वरना ये आदमी फ्यूचर में हमारे लिए सरदर्द होगा, समझ गए ना? यस सर। अगर तुम लोग जानते मैं कौन हूँ, कभी हाथ नहीं लगाते। जना बेटा, जना लगता है वो आदमी तुझे ही बुला रहा है। बेटा तुझे ही बुला रहा है वो? मुझे नहीं बुला रहा माँ, कोई और जना होगा वो। माँ तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं बिल लेके आता हूँ। इस घोड़े के सामने एक सिपाही अकेला आ गया तो एक ही मार में सिपाही खत्म। अब तू खेल।
देख क्या रही हो? आपको मारपीट बहुत पसंद है क्या? मेरे रास्ते में कोई आएगा तो उसे मारूंगा। अपना हाथ दिखाओ मुझे। क्यों? दिखाओ ना, बताती हूँ। शक्तिमान का हाथ है, आपने उसको इतना मारा, आपको दर्द नहीं हुआ? तूने देखा क्या? हाँ देखा। आपने उन लोगों को बहुत मारा, उन्होंने कोई गलती की थी क्या? मेरे टीचर भी ऐसे ही हैं, गलती करती हूँ तो मारते हैं। आप कल भी किसी को मारोगे क्या? पता नहीं। मारना, कोई गलती करे तब उसे मारना। जो आ गया। पर बिना गलती के नहीं। स्वामीनाथन, सारे इन्फॉर्मर को अलर्ट रहने के लिए कहो। Yes, sir. शहर के हर एक एरिया पर पुलिस की नजर होनी चाहिए। Okay, उनका मूवमेंट क्या है हमें पता होना चाहिए। आप चिंता ना करें सर, इजीली पकड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके हाथ लगते ही आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, फोन ऑन रहेगा। बी अलर्ट। Yes, yes, sir. चेक। तुम बुरी तरह से फंस गए, अब बच नहीं सकते। अगर तुम ऐसे ही खेलोगे तो जीत नहीं सकते, समझ गए माँ? अभी तो बच्ची के साथ खेल रहा था, तुम्हारे साथ खेलता तो अंदाज कुछ और ही होता। खेलते हैं किसी दिन। हाँ जरूर, वन डे। न्यू क्लाइंट, इसीलिए इतना बात कर रहा हूँ। न्या, 200 crores, that's too much. 150 crores, तो आज ही डील करते हैं। He has to decide. Wait a minute. भाई, 150 crore पे अटका है। 150 crore. नॉर्वे में डिलीवरी करनी है। इंडियन बॉर्डर्स क्रॉस करना कितना मुश्किल है उनको पता नहीं है क्या? 200 crores, 200 crore नहीं है तो भेज दे। इधर ही बहुत डिमांड है, कश्मीर, असम, आंध्र में डिफेंस न मिलने की वजह से कितनी मुश्किल में है। भेज दो उन्हें। कमिश्नर कृष्णा मेनन आपसे मिलने आए हैं। भेजो अंदर। ओके। फोन पर ठीक नहीं था इसीलिए आना पड़ा। कस्टम का एक नया डायरेक्टर आया है, हार्बर में रेड पड़ने वाली है, माल सीज हो सकता है। मेरे पास मैसेज आया था, गोदाम को खाली करना पड़ेगा। अभी टाइम है हमारे पास, किसी को शक ना हो इसलिए दूसरी जगह पर भिजवा दीजिए, सिर्फ 2 दिनों के लिए। माँ जी, सारे रूम्स बंद कर दिए और सारा स्टाफ भी निकल चुका है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। यस, क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरी में स्मोक करना मना है। आई एम सॉरी, सॉरी 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 मैम, माय नेम इज भंडारे। नाम से कोई नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम ही है। बहुत अच्छा नाम है आपके स्कूल का, मैंने सुना है। शहर में नंबर 1 स्कूल है आपका, है ना रे? हाँ भैया, मैडम यहाँ सब कुछ है, बहुत ही सिंसियर। हाँ, तो फिर जज की वाइफ है, अपने डेप्यूटी कमिश्नर की माँ है, सिंसियर नहीं होंगी तो फिर? मिस्टर, क्या चाहिए आपको? देखा ना,
सीधे पॉइंट पर आ गई हैं। कुछ खास नहीं मैम, कल दशहरा की छुट्टी है ना, आपका स्कूल भाड़े पर चाहिए। क्या कहा, स्कूल भाड़े पर चाहिए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ 4 दिन के लिए चाहिए, आपको बताने में क्या है, थोड़ा जेलेटिन स्टिक्स, थोड़ा RDX, थोड़ा रॉकेट लॉन्चर, वो यहाँ रखकर अपने बच्चों को सेफली यहाँ एडमिशन करवाना है, वापस ले लूंगा। यहाँ पर रहेगा तो किसी को शक नहीं होगा, इसलिए आपको बताया बिना यहाँ पर रखेंगे, इसने बोला। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। देख लिया तुमने, देख लिया, सिर्फ इतने में ये डर गई। तूने क्या बोला, स्कूल टाइम पर जाएंगे, 4 बच्चों को उठाकर फेंकेंगे तब मैडम मान जाएंगी। अरे इसे देख रही है मैडम, ये क्या क्या बोलता है, निकम्मा। अगर हम इनसे पूछेंगे तो ये मना कर पाएंगे क्या? हाँ, मैंने बोला था मैडम स्कूल नहीं चाहिए, कहीं और चर्च या मंदिर में रखते हैं, लेकिन इसने ही कहा है कि इधर तो हमेशा रखते हैं, अपने लिए स्कूल ही सही रहेगा। मैडम अगर मना करेंगी तो इनके पति को मार डालेंगे, ऐसा गलत गलत बोल रहा है बदमाश कहीं का। ए, बिना सिंदूर किन का चेहरा अच्छा लगेगा क्या तुझे? तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं, लड़का DC है, इसलिए मैडम थोड़ा सोच रही है, राजी हो जाएंगी। राजी हो जाएंगी। अगर आप चाबी दे देंगी तो हम सामान रखकर 4 दिन में वापस लेकर चले जाएंगे, और नहीं दी तो उड़ा देंगे। 3000 बच्चे लोग हैं, ब्लास्ट होकर मर गए तो ये तो मुझे सोचा भी नहीं जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ मत कीजिएगा, प्लीज मैं चाबी देती हूँ, रुकिए देती हूँ। थैंक यू मैम, वैसे तो आपके स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बहुत इजीली मिल गया, थैंक यू। हैप्पी दशहरा। मैडम नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, उन लोगों ने जो बोला वो कर देते हैं मैडम, अगर हम पुलिस में जाएंगे तो कुछ और हो सकता है मैडम। तो तुम ही बताओ कि मैं किससे बताऊं, क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम इसके लिए एक रास्ता है, मैं किसी को जानता हूं, वो यहां पास में रहता है, अगर हम उससे बात करेंगे तो वो सब देख लेगा, उसके लिए बहुत ही मामूली बात है, और उसके सामने ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह है। आप अपना बोझ उसके कंधे पे दे दीजिए, फिर आप चैन से सो जाइए मैडम, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। आइए मैडम। अरे आओ बालू, क्या बात है? उनको मैंने बताया एक जरूरी काम है, सच में जरूरी काम है। आइए। ये सब क्यों हो रहा है, पब्लिक को पता चलना चाहिए। जाना। आइए मैडम। नहीं तुम जाओ, तुम ही जाकर बताओ। ठीक है मैडम। बोलिए भाई, आज रात वो स्कूल के अंदर RDX, जिलेटिन और काफी हथियार उतारने वाले हैं, बताइए हम क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं, जाकर चैन की नींद सो जाओ। आप यहाँ आ गए ना, अब स्कूल के अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। अब जाइए। ठीक है। वो कौन है? वो हमारे स्कूल की टीचर है और इंचार्ज भी है, बच्चों को लेकर धमकी दी गई इसलिए वो बहुत डर गई थी, और वो यहाँ आने से भी बहुत डर रही थी। डर? डर कैसा? आते वक्त डर लग सकता है इन्हें, लेकिन जाते वक्त निडर होकर जाएंगे। माँ माँ
स्कूल में किसी और को पता नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। हेडमिस मेरी बहुत खास है, अगर उनको पता चला तो वो बहुत डर जाएंगे। नहीं भैया, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम लोग इधर आए। गुड, आप लोग जा सकते हैं। माँ, माँ, हाँ? हे माँ, इसकी बटन टूट गई है माँ। हाँ? क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? लगता है रात में सोई नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सी नई भाषा? मां, जाने में टकरा गई। हाँ तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्या? अरे शर्ट पर ही तो गिरी ना माँ। शक्कर नहीं है, पापा के लिए है। मैं जाकर दूसरी ले आती हूँ। एक दिन मैं ना शक्कर की पी लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई बात नहीं माँ। लेट हो रहा हूँ माँ, निकल आओ ठीक है। जाना। हाँ? बेटा जरा संभल कर जाना। माँ ऐसा क्यों बोल रही है? Hey, अपने बेटे को ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूनी को देख रही हो। नहीं जी, ऐसे ही नहीं, समथिंग्स रॉन्ग। जब तूने सुबह चाय दी तभी मैंने देखा। तेरा चेहरा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है मेरी। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या हुआ बोलो। अपना जना। जना? मेरी गाड़ी के सामने आ गया। हे छोड़ छोड़, अपना ही आदमी है, रात में कुछ ज्यादा ही पी ली होगी इसीलिए लड़खड़ा रहा है। चल छोड़, जाने दे। अरे साहब आ रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हे जयदेव, कितना समय लगा दिया? नमस्ते साहब। अरे बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। आधे घंटे में टोल गेट पार होना चाहिए, नहीं तो ड्यूटी ऑफिसर चेंज हो जाएगा। जी इसको फलों का बक्सा समझ रखा है क्या? सोया हुआ यमराज है, अगर जाग गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये शुरू। अमीर बंद करना उसे, उसे बता दिया है ना भूल के गोदाउन ना चला जाए। सब कुछ समझा दिया है, सीधा स्कूल ही जाएगा। ओके। ए जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। अमीर हरकतें बंद करो और रास्ते में सुसु करने के लिए भी मत उतरना, समझा? पहुंचते ही फोन करना। ए अमीर, क्या कर रहा है? चाबी लो, ये लो। गाड़ी हटा, गाड़ी हटा। अरे गाड़ी लेके अंदर कहाँ जा रहा है? कमिश्नर साहब के लिए खाना आया है। खाना? इसमें? ये सिर्फ खाना है, स्वीट दूसरी गाड़ी में आ रही है। क्या? जाके बोलो। कमिश्नर साहब के लिए खाना आया है साहब। कंटेनर लॉरी में आया है साहब। कंटेनर में? हाँ साहब। किसने बोला? ड्राइवर ने बोला साहब।
पास में ही है, बात कराता हूँ। कहाँ गया वो? देखो अमीर, सच बोलो, अगर वो कंटेनर लॉरी स्कूल नहीं पहुंचा तो फिर वो कहां गया? नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। बोल। मैं ड्यूटी पर जा रहा था, एक बदमाश ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के बांध दिया। हाँ भैया, इसको कोई बांध के ट्रक लेके चला गया था, इसके जैसा ही था, इसके जैसा था, हमें बेवकूफ बना गया वो। बेवकूफ बनाया नहीं, बेवकूफ बन गए। 200 crores, 200 करोड़ रुपए कौन देगा, कौन देगा? जाओ जाओ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए वो कंटेनर वापस आना चाहिए। जाओ। हाँ बोलो। भंडारी जी, सारा खेल खत्म हो गया। क्या? जरा टीवी ऑन करके तो देखो। Oh my God! आज पुणे शहर के नजदीक अपडेटेड हथियार बम विस्फोट पुलिस ने बरामद किए हैं। इसकी कीमत लगभग 200 करोड़ है, ऐसा पुलिस कमिश्नर का कहना है। बम और हथियार से लदे इस कंटेनर लॉरी को एक अनजान व्यक्ति कमिश्नर के ऑफिस में छोड़कर गायब हो गया। वो अनजान व्यक्ति और वो हथियार कहां से आए, किसके लिए लाए गए हैं, इसके बारे में कड़ी इंक्वायरी हो रही है और ये सूचना कमिश्नर ऑफिस से मिली है। हाल में इस तरह के हथियार की स्मगलिंग बहुत जोर शोर से हो रही है। इस घटना को लेकर शहर में काफी अफरा तफरी मची हुई है, सभी लोग काफी घबराए हुए हैं। बरामद हुए हथियार की जिम्मेदारी कौन उठाता है, इसकी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। ये सब कुछ इसने किया है? उस्तादों का उस्ताद लगता है ये। I can't believe this। एक साल के अंदर इतना बड़ा गैंग फॉर्म कर लिया इसने, पूरे एरिया में मिनी गवर्नमेंट चला रहा है ये। एक यही है मास्टरमाइंड, बाकी के सब छोटे मोटे गुंडे हैं। यस मिस्टर राजशेखर, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। इंटेलिजेंट ब्यूरो वाले आपसे एक कदम आगे हैं। वो कौन है आपको पता है? ये देखिए। सर 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 सर, ये मेरा सर, ये मेरा छोटा भाई है स्वामीनाथन। ये कोई सर, व्हाट्स गोइंग ऑन सर? सर ही इज माय ब्रदर सर। यस ऑफ कोर्स, आपका भाई है ये, जना जनार्दन एमटे। नो सर, सर इसमें जरूर कोई गलती हुई है, ऐसा नहीं हो सकता सर, इसको ये सब पता ही नहीं है सर, ये तो पटाखा फोड़ने में भी डरता है। अच्छा, जरा इसे पहचानो, कौन है ये और ये कौन है? मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। यस, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे इस तरह बदल गया ये सोचकर मुझे शॉक लगा था। बट ऑल इंफॉर्मेशन आर लीडिंग, इट्स ट्रू। आप इंस्पेक्टर हैं और आपके पिताजी जज, इस इन्फ्लुएंस को उसने यूज किया है, दूसरे के क्राइम एक्टिविटीज को इजीली पिकअप करके ये सारा काम किया है उसने। सर नो सर, ए बेस्ट फ्रेंड मेक्स अ वर्स्ट एनिमी। वो आपके घर के अंदर है, आपके साथ खाता पीता सोता है, लेकिन फिर भी आप लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। इट्स ब्रिलियंट मूव है ना। सॉरी मिस्टर राजशेखर, मुझे इस बात का दुख है, आपके लिए इस केस को फेस करना थोड़ा मुश्किल है। सो मिस्टर शर्मा इस केस को अब हैंडल करेंगे, चाहे तो आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकते हैं। सॉरी सर, आई कैन फेस इट, सेंटिमेंट को छोड़ के ही वर्दी पहनी है मैंने। मैं जना को पकड़ के लाऊंगा 1 घंटे के अंदर, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा जना आपके सामने होगा सर। हथियारों से भरा कंटेनर लॉरी कमिश्नर ऑफिस कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? बताओ। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। Ah!
अंजना, क्या है? हे, चल बता क्यों कर रहा है ये सब, मकसद क्या है तेरा? यहां बहुत नाइंसाफी हो रही है जिसे देखकर मैं खामोश नहीं रह सकता। लोगों की नजरों में सिर्फ अच्छा नहीं बना रह सकता मैं। तो उसके लिए चाकू और बंदूक उठाएगा, उसी चाकू का मुंह एक दिन तेरी तरफ होगा। क्या करेगा तू? ये सब छोड़ दे जना, छोड़ दे। तू अकेला कितने लोगों को बचाएगा? हे जना, तू मेरी प्रॉब्लम समझ भाई, तू डिपार्टमेंट की नजर में आ गया है। प्लीज जना, सरेंडर हो जा। हाँ, मुझे कुछ होने वाला तो तू इतना तड़प रहा है। दूसरों को तकलीफ होगी तो कौन तड़पेगा, वो भी तो इंसान ही है ना, उनके लिए कोई तो होना चाहिए। इसीलिए तेरे लिए एक घर है, पापा माँ मैं सब लोग हैं। हमारे लिए तू जरूरी है, तेरी जिंदगी जरूरी है, कोई भी मरे इससे तुझे क्या मतलब। मुझे पता है क्रिमिनल्स की लाइफ कितनी खतरनाक होती है, अगर तू इसमें फंस गया तो बाहर नहीं आ पाएगा। आना भी नहीं चाहता, मेरी लाइफ कोई सर्कल या स्क्वायर नहीं है जो ऊपर जाए और नीचे आए, वो एकदम सीधी लाइन है। आगे बढ़ता ही रहूंगा चाहे मेरे रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए, अपनी आखिरी सांस तक मैं लड़ता ही रहूंगा। ये कोई पुलिस वाला नहीं बोल रहा है, तेरा भाई बोल रहा है। कोई जरूरत नहीं जान की भीख देने की, मुझे खुद को बचाना आता है। ये तुम्हारा भाई नहीं बोल रहा है, जना बोल रहा है। जना, भंडारी का भाई ने बालू को मार डाला, तेरे बारे में पूछ रहे थे लेकिन उसने नहीं बताया। जना, डोंट मूव। जना बच जा, जना बच जा, तेरा भाई बोल रहा है। नहीं जना, बच जा, स्टॉप जना।
सूरज भाई, जनो जनो कौन है जना? जना कौन है? कौन है जना? कौन है जना? कौन है जना? कौन है जना? बोल जना कौन है? जनो 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 हाँ मेरा ही भाई है, चाहो तो गोली भी मार सकते हो। हेलो एडीसी, जना तेरा भाई है ना? मार डाला उसने, मेरे भाई को मार दिया उसने। भाई के बदले नहीं नहीं, ये काफी नहीं होगा। हेलो, ये काफी नहीं है। ए, कौन है? कौन है तू? तुम सबकी जान चाहिए मुझे, सबकी जान चाहिए। अब मैं खेलने वाला हूँ तुम्हारे घर के अंदर, बम से खेलने वाला हूँ, बम से खेलने वाला हूँ, बम से खेलने वाला हूँ। कौन है तू? हेलो देवो। जना, जना हाँ?
एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जना सिर्फ अपने पिता की जान बचा पाया, भंडारी कानून की नजर से नहीं बच पाया, वो जेल चला गया। लेकिन जना के खिलाफ एक भी गवाह नहीं था। फसल को बचाने के लिए जो घास को उखाड़ता है उसको खूनी नहीं कहा जा सकता। सुना है कि जना अपने पिता के मन की शांति के लिए मौसी के गांव चला गया है, पर कौन सा गांव ये नहीं जानता। जना ने हमारे परिवार को बचाने के लिए अपना परिवार खो दिया। आज जना का परिवार बसने वाला है, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अंकल, अपना गांव आ गया। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, जल्दी करो। तावरपाड़ी 10 साल हो गए लेकिन रोड अभी भी वैसा ही है। कमर चलो, तोड़ चलो, दिया। जल्दी जल्दी। बेटी, जब मैं छोटा बच्चा था तब स्कूल जाने के बहाने यहाँ गोटियाँ खेलता था। दादाजी नहीं बोलते थे? दादाजी अपने पिताजी को कहते थे खेत जा रहा हूँ और यहाँ पत्ते खेलते थे। पूरा फैमिली फ्रॉड है। बेटी, मुंबई में जना के बारे में तुम्हें उसकी सारी कहानी पता चल गई, ये किसी को नहीं बताना, जना को भी नहीं, समझ गई? ठीक है। मालकिन आ गई, मालिक आप भी आ गए। मालिक, ये क्या आपको बता के तोड़ना चाहिए था ना, आप भी ना मालिक। सबको क्यों बुला रहा है? अगर मैं तुझे बोल कर आता तो तू पीकर पूरे गांव वालों को लेकर ढोल नगाड़े के साथ आता और उसके पैसे भी मुझसे लेता। चुपचाप चल। मालिक आप इधर ही रुको ना, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। 10 कदम की दूरी है, उसके लिए गाड़ी क्यों? लेकिन आते ही शुरू हो जाते हो तुम लोग। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो गुस्सा नहीं होंगे, जो भी होगा मैं संभालूंगा। हैं? लगता है इधर ही आ रहा है। आ रहा है। क्या हुआ? इन्हें आपसे अकेले में बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ नहीं, वो मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मैंने घर पे बोल दिया। तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता होना चाहिए ना, इसीलिए दादी और माँ को मैंने बता दिया है, वो बहुत खुश है। बस पापा। तुम्हारे पापा ऐसे नहीं मानने वाले। वो भी मान जाएंगे, बस थोड़े गुस्से में हैं। मामा ने बोला कि वो उनसे बात कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपसे मिले बिना, आपसे बात के बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, नींद भी नहीं आती है। बस यही सोच रही थी कि यहाँ कब वापस आऊंगी मैं। बस आपको देखते ही सारा टेंशन खत्म हो गया मेरा। मामा भी मजाक उड़ा रहे थे मेरा, कह रहे थे जाएगी। मुंबई से तुम कब आई? आज ही। लेके जाओ। अभी लेके जाओ? तुरंत लेके जाओ इसे। लेकिन अभी तो बात। मैंने कहा ना लेके जाओ इसे, जल्दी।
जीत गया तू। तू जीत गया क्या? नहीं, नहीं जीता। अभी तक मुझ में जान है, मेरी बात नहीं हुई है, और जान बाकी है, वो काफी है। तुझे मैं जड़ से मिटा दूंगा। मैं इंसान नहीं, पहाड़ हूं, पहाड़ हूं। ए, कौन सा पहाड़ है तू? कौन सा है? पहाड़ टूटता है तो मिट्टी में मिल जाता है। इस जना से मत खेलना, मिट्टी में मिल जाएगा। तू